Nee, ist eben die. Die wollen daraus baden. विराजी प्रकट सर उसको प्रकट कर रहे हैं विराजी साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप तुम तुम ट्रांसलेशन कर दो हिंदी लैंग्वेज विराजी साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है। तो उसने बताया कि अभी हम जो परिक्रमा पूरा करते जहाँ पे दान घाटी में गए, दान घाटी के बाद दान निवर्धन कुंड में गए, फिर आने और गए, फिर शंकरशन कुंड गए, फिर गोविंद कुंड गए, ऐसे हम क्यों जगह जगह में गए। तो बताया गिरिराज जी के पास ये परिक्रमा लगाने का उद्देश्य ये है कि हम गिरिराज जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गिरिराज जी, आप तो राधा कृष्ण की हर तरह के से सेवा करते हैं, राधा कृष्ण की लीलाओं के भी साक्षी हैं, आप हम पर कृपा करें तो हम भी कभी राधा कृष्ण की लीलाओं को दर्शन कर पाएँ, कुछ छीटा पूटा हमारे ऊपर भी पड़े, हम भी कभी आपकी तरह राधा कृष्ण की सेवा कर पाए। इस भावना को लेकर के हम गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ये परिक्रमा को करते हैं, इस परिक्रमा को करते हैं। इसलिए बताया गिरिराज जी ने बोला, प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते रचयति नंद यूनो दंदो मस्मही मनो इति कील कलनार्थ लग्न कष्ट दौर में निज निकट निवासम देहि गोवर्धन। मतलब गिरिराज जी हमें अपने पास स्थान दे दो आपकी, क्यों? क्योंकि आपके कंदरे कंदरे में किसकी लीला हो रही है? राधा कृष्ण की लीला हो रही है। इस भावना के साथ में हम लोग गिरिराज जी की शरण में जाते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। गिरिराज जी का बड़ा ही वैशिष्ट्य, जैसे हमने देखा, आपने सबने तो कथा सुनी कि किस प्रकार कृष्ण ने गिरिराज जी को उठाया और ब्रजवासियों की रक्षा करी, रक्षा तो करी करी साथ में आनंद कितना हुआ, जो गोवर्धन जो गिरिराज धरण जो लीला है उसमें आनंद कितना हुआ ब्रज के अंदर, बहुत आनंद हुआ, सारी लीला एक साथ होने लगी, राधा कृष्ण का मिलन भी हो रहा है, होली भी हो रही है, कीर्तन भी हो रहा है, सारे रस वहाँ पर बरस रहे। जब ये गोवर्धन जो ये जो गिरिराज को कृष्ण ने धारण किया, इस प्रकार बड़ी सुंदर वहाँ पे लीला हुई। लेकिन परम गुरुदेव इस बात को बताते थे, नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु का दृष्ट उत्तर श्री श्रीनाथ भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, वो परिक्रमा में ले जाते थे सबको। एक बार किसी ने पूछा, महाराज जी ये परिक्रमा का क्या उद्देश्य है? ये बात संजय प्रभु ने अंबिका कालना में बताई थी, अंबिका कालना में बोला ये ब्रजमंडल परिक्रमा में आना, वृंदावन परिक्रमा में आना, गिरिराज जी की परिक्रमा में आना, गोवर्धन परिक्रमा भी चल रहा है, ये परिक्रमाओं के पीछे उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, किस कारण से हम लोग ये सब करते हैं? तो उसमें परम गुरुदेव से किसी ने ये प्रश्न पूछा और बड़ा ही सुंदर उद्देश्य दिया। बोला ये जो मैं तुम्हें लेकर के परिक्रमा में आता हूँ, ये पूरा खाने की व्यवस्था, इतनी सारी इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी होती है, लोगों को इधर से उधर ले जाना, इतने सारे लोग, उनकी व्यवस्था करना, खाना पीना रहना सोना, कितनी दिक्कत है, धीरे धीरे लोग चलेंगे, कुछ पीछे रह जाएंगे, कुछ आगे भाग जाएंगे, उनको रोकना पकड़ना, कितनी सारी समस्या, लेकिन फिर भी एक जगह बिठा करके कथा सुनाना। परम गुरुदेव ने विचार दिया कि ये परिक्रमा का उद्देश्य ये है कि किसी भी किसी तरीके से तुम्हारे हृदय में ये लोभ जग जाए, लोभ लॉल्यम, लॉल्यम इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, लॉल्यम मतलब लोभ, कि जिस प्रकार जैसे अंबिका कालना के स्थान वहीं पर मैंने कथा सुनी, वही की कथा से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे वहाँ पे गौरीदास पंडित, गौरीदास पंडित महाप्रभु के बड़े प्रिय परिकर और कृष्ण लीला में वो है सुबल सखा, सुबल सखा है, और वो दिन भर सोचते कब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु मेरे घर में आएंगे, मैं उनके लिए बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाऊंगा, उनको खिलाऊंगा, उनकी बड़ी सेवा करूंगा, बड़े उनका श्रृंगार करूंगा, बड़ी पूजा करूंगा, उनके मन में बड़ी अभिलाषा थी, उनकी अभिलाषा पूरी हो गई। एक दिन महाप्रभु स्वयं वहाँ पर आ गए, महाप्रभु आ गए, महाप्रभु आ गए और बड़े ही सुंदर रूप में महाप्रभु की वो सेवा करे, उसमें कीर्तन में आप पढ़ोगे कितना सुंदर सुंदर उन्होंने बनाया, ये जो भोग आरती है सुक्ता सकाजी भाजी, वैसे ही उन्होंने पूरे पूरे व्यंजन 56 के 56 भोग महाप्रभु के लिए रोज रोज बनाते थे, रोज रोज नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु। और वहाँ पे जब ये रोज रोज बनाते थे और ये बूढ़े हो चुके थे, बूढ़े हो गए थे, महाप्रभु बोलते हैं, बोला गौरीदास अब आप बूढ़े हो गए हो, इतनी सेवा मत किया करो, आप थक जाओगे, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आप अपने स्वास्थ्य की चिंता करा करो, हमारे थोड़ा बहुत बना दो। लेकिन अगली दिन देखो तो वही गौरीदास पंडित फिर 56 के 56 भोग बना करके रखते और महाप्रभु इतने आनंद के साथ में, इसलिए जहाँ वहाँ पे जो कीर्तन है इतना सुंदर वो कीर्तन है कि देवादिदेव गौर चंद्र गौरीदास मंदिरे नित्यानंद संगे गौरा अंबिका ते विहरे, इतने आनंद में है महाप्रभु। और महाप्रभु का रूप कैसा है, तप्त हेम अंग कांति प्रात अरुण
अंबर इतना सुंदर महाप्रभु का रूप और गले में गुंजा हारा, गले में कौन सी माला पहनते महाप्रभु, गुंजा माला, और महाप्रभु का रूप देख करके सब लोग बड़े आनंद में, गोरीदास पंडित भी आनंद में, सभी लोग बड़े आनंद में, इतना आनंद उस समय पे वहां पर हो रहा है ना गोरीदास पंडित के घर में कि उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। इसलिए जब महाप्रभु बोलते हैं, बोला गोरीदास पंडित जी हमारे कई दिन हो गए, अब हम जाना चाहते हैं। गोरीदास पंडित बोलते महाप्रभु अभी तो समय कितना हुआ है, आप थोड़ा और रुको, अच्छा एक काम करो, आज आज रुक जाओ, कल चले जाना। कब चले जाना? कल चले जाना। जब कल होता फिर वही सेवा पूजा होती, महाप्रभु बड़े आनंद में होते, फिर महाप्रभु बोलते गोरीदास पंडित अब हमें जाने दो, अब हमें जाने दो। गोरीदास पंडित बोलते नहीं आज नहीं कल जाना, ऐसे कल फिर कल को ना, इसलिए जगह का नाम क्या पड़ा, कल कल ना। इतना इतने प्रसन्न महाप्रभु वहां पर थे। जब इतना हो गया ना तो फिर वो जो महाप्रभु ने फिर सामंजस्य करने की कोशिश की, बोला गोरीदास पंडित आप एक काम करो मेरे दो विग्रह बनवाओ। उन्होंने बड़े ही सुंदर दो नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का विग्रह बनवाया, विग्रह बनवा करके बोला ये विग्रह और मैं, विग्रह नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये विग्रह और मेरे में कोई भेद नहीं, तुम इनकी सेवा करो, हम चले जाते। तो जैसे उन्होंने बोला कि तुम विग्रह की सेवा, गोरीदास पंडित बोलते नहीं मुझे तो विग्रह नहीं, मुझे तो आप चाहिए। उन्होंने बोला तुम्हें हम चाहिए, बोला ठीक है। जैसे उन्होंने बोला हमें तुम चाहिए, वो जो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु थे वो तो वही रहेगा, वो विग्रह चलने लगा। और जब विग्रह जाने लगा गोरीदास पंडित ये क्या हुआ, विग्रह चलने लगा, उन्होंने विग्रह को रोका, बोला विग्रह, बोला नहीं नहीं आप रुको, जैसे बोला ये रुको तो वो चलने लगे। इसलिए महाप्रभु ने वहां पर शिक्षा दी कि विग्रह में और ठाकुर जी में कोई भेद नहीं, और महाप्रभु एक रूप से वहां पर रह गए। बताया कि जब ये हम इन कथाओं को सुनेंगे, ये कथाओं को सुनेंगे इनकी भावनाओं को, तुम्हारे मन में भी ये भावना आएगी कि हम भी कभी ऐसा हो, हमारे साथ भी हम भी कभी ऐसी सेवा करें महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, गुरु जी की, राधा कृष्ण, है ना, हम भी कभी ऐसी सेवा करें। ये लोग हमारे हृदय में जागे, ये लोग हमारे हृदय में जागे, सिर्फ और सिर्फ लोग को जगाने के लिए। और ये लोग कैसे जागेगा, जब हम उसको सुनेंगे, जब हम सुनेंगे तो लोग जागेगा। तो ये सुना करके ये लोग जगाने के लिए गुरु वैष्णव हमको ये परिक्रमा कर कराते हैं। और इसी प्रकार हम लोग आज गिरिराज जी में भी गए थे, ये गिरिराज जी की लीला सुन सुन करके हमारे मन में भी लोभ होगा ताकि हमारे साथ में कभी ऐसा हो, हम भी कभी लीलाओं को देखें ऐसे करें। इसलिए ये परिक्रमा का उद्देश्य है। इतना मेरे को थोड़ा थोड़ा याचन से सुना और उधर से इतना कुछ खास आता है वाचा का प्रदर्शन करते हैं। पतिता नाम पावन चक्षुरमृतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः पार्श्वेन्दुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीगदाधर श्रीवासादि श्रीगौरभक्तवृन्दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परमाराध्य तम गुरुपाद पद्म विष्णुपाद परमहंस प्रियाचार्य अष्टदशत श्री श्रीमान मुक्तिवेदांत शिलम सिद्धा गोसाई महाराज जी चरण कमल अनंत कोटि दंडवत के अंपन करके उनके अहित की कृपा की अर्चना करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रवेश विष्णुपाद अष्टदशत श्री श्रीमान मुक्तिवेदांत शिल नारायण गोसाई महाराज जी समस्त रूपानुगो आचार्य समस्त वैष्णानंद सभी के चरण कमल वंदना करता हूँ। हम लोग बड़े ही सौभाग्यवान हैं, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने उपदेशामृत में जो 9th नंबर का जो श्लोक बताया है इसमें उन्होंने श्री गिरिराज जी की महिमा भी उन्होंने कहा। वैकुंठ जनित वरा मधुपुरी तत्रापि रासश्च वाद वृंदारण्य उदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धन। कि कहते हैं कि उस ऐश्वर्यमय धाम वैकुंठ से श्रेष्ठ कौन सा है, वैकुंठ जनित वरा मधुपुरी, उससे कौन सा श्रेष्ठ है कि मधुपुरी अर्थात मथुरा मंडल। वैकुंठ जनित वरा मधुपुरी तत्रापि रासश्च वाद वृंदारण्य उदार पाणी रमणात तत्रापि गोवर्धन। और उस मथुरापुरी से भी श्रेष्ठ का कौन सा है न वृंदावन धाम, और उस वृंदावन से अधिक श्रेष्ठ है कौन सा न इस गोवर्धन।
बोलते हैं इसे गोवर्धन क्यों इतना श्रेष्ठ है, इसे गोवर्धन का इतना महात्म्य क्यों है? क्योंकि ये जो गिरिराज जी महाराज जी हैं सारे ब्रजवासियों के ये आश्रय स्वरूप है। सारे ब्रजवासियां इसे गिरिराज जी को ही आश्रय करते हैं। यहाँ पर ब्रजवासियों के जो मुख्य गोधन है इसी गिरिराज जी के द्वारा ही वो लोग पालित तो होते हैं। इसलिए जो हरिदास हैं, जो भगवान के जितने सेवक हैं, उन सेवकों में इस गिरिराज जी को कहा गया क्या, हरिदास वर्य। जितने भी सेवक हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ हरिदास वर्य गिरिराज जी हैं। बोलते हैं गोवर्धन जयति शैलकुलाधिराज जागोपिक अभिरुदित हरिदास वर्य कृष्णेन सक्रमख भंग कृता च पद्म सप्ताहमस्य कर पद्म तड़वसति। कि गोवर्धन जयति शैलकुलाधिराज जागोपिक अभिरुदित हरिदास वर्य। कि ये कैसे हैं, ये जो गोवर्धन है गिरिराज जी है जो शैलकुल अर्थात जो पर्वत श्रेणियों में जो सर्वश्रेष्ठ अधिपति हैं, गोपियां उनको निर्देश करके बोलती हैं क्या, न जहा गोपी का अभिरुदित हरिदास वर्य। कि गोपियों के द्वारा ये क्या है, अभिरुदित अर्थात गोपियों के द्वारा इस गिरिराज जी को मान्यता प्रदान किया गया है कि इस गिरिराज जी क्या है, न इस गिरिराज जी है हरिदास वर्य। तीन हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ हरिदास कौन है, ना गिरिराज जी महाराज जी। एक तो हरिदास कहा जाता है श्री युधिष्ठिर महाराज जी को, और दूसरे हरिदास कहा जाता है उद्धव जी को, और जो सर्वश्रेष्ठ हरिदास हैं उनको कहा जाता है गिरिराज जी को कहा जाता है। गिरिराज जी जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो गिरिराज जी को गोवर्धन वास प्रथमा प्रार्थना दर्शकम जी ने जो लिखे उसमें गिरिराज जी का बड़ी महात्म्य इसमें वर्णना की है। गिरिराज जी आप जो है निज निकट निवासम देहि गोवर्धनतम, आप अपने चरण कमल में आप वास प्रदान करिए। जब श्री जगन्नाथपुरी धाम में बहुत प्राय 16 16 साल श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री स्वरूप दामोदर के अनुगत्य में रहे महाप्रभु जी पास में, परंतु एक साल के अंतर ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी और स्वरूप दामोदर प्रभु का प्रकट हुआ। एक साल के अंतर तो उसके बाद, क्योंकि शुरू से जब रघुनाथ दास गोस्वामी पहले ही आए थे घर छोड़कर, तब श्रीमद महाप्रभु जी ने स्वरूप दामोदर को रघुनाथ दास गोस्वामी को सौंप दिया था। आज से क्या हुआ, रघुनाथ ना स्वरूप रघु अर्थात स्वरूप दामोदर के अनुगत्य में रहकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते थे, परंतु जब खूब बहुत कम समय के अंतर में महाप्रभु जी और स्वरूप दामोदर दोनों ही अप्रकट लीला प्रकाश किए, तब रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े विरह कातर में मतलब बड़े व्याकुलित हो गए, क्योंकि वैसा वाला संग नहीं है जिनके लिए जो उनके प्राण स्वरूप थे आज वही नहीं रहे। यद्यपि नित्य तत्व है स्वरूप दामोदर परंतु साक्षात रूप में तो अभी प्रकट नहीं थे। इसलिए पूर्व समय में महाप्रभु जी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को एक समय ये जो गिरिराज जी शिला और गुंजामाला दिए थे, कि ये गिरिराज जी जो शिला है ये कृष्ण के स्वरूप है और गुंजामाला जो है ये राधा रानी के स्वरूप है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को बार बार मानो यही प्रतीत हुआ कि महाप्रभु जी का भी निर्देश हो रहा है कि गोवर्धन गिरिराज जी के निकट में जाने के लिए। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को मानो बार बार महाप्रभु जी का यही संकेत हो रहा है, उनको यही सब प्रतीत हुआ, तो फिर आकर वो गिरिराज जी के तलहटी में रहे और गिरिराज जी को परिक्रमा करते हुए गिरिराज जी के संग प्राप्त करने के लिए है गिरिराज जी निज निकट निवास देहि गोवर्धनतम, अर्थात है गिरिराज जी आप जो है मुझे अधम को अपना कीजिए, अर्थात आपका जो अनुगत्य मुझे प्रदान कीजिए, आपका आश्रय स्वरूप प्रदान कीजिए। क्योंकि आप जिस प्रकार सर्वतो भाव में सर्व रूप में सर्व प्रकार के राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, इसी प्रकार की सेवा प्रवृत्ति इसी प्रकार की चित्तवृत्ति मेरे अंदर आए। इसलिए जब हम किसी श्रेष्ठ वैष्णव का उचित रूप से अनुगत्य करते हैं, तब उनके जो चित्तवृत्ति हैं जो सेवा प्रवृत्ति हैं हमारे हृदय में
ये भी ट्रांसफर होता है। इसलिए इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जो ये जो जो दशकम लिखे इसमें से बड़ी सुंदर सुंदर महिमा गिरिराज जी की गाई कि किस प्रकार गिरिराज जी में प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते रचयति नवजुन द्वंद्वम अस्मिन वंदम इति किल कल नाथम लग्न कष्ट तोयर में निज निकट निवास देहि गोवर्धनतम। हे गिरिराज जी आपके कंदर कंदर में बहुत राधा कृष्ण बहुत प्रमद मदन लीला आदि करते हैं, इसलिए आप मुझे अधम को अपना आश्रय प्रदान करके ये सारे जो सेवा वृत्ति हैं आप मेरे हृदय में प्रकाश कीजिए। तो इसलिए हम गुरु वैष्णव के अनुगत्य में आते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं और गिरिराज जी के महिमा आदि श्रवण करते हैं। ऐसे करते 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 एक दिन हमारे हृदय में भी इस प्रकार की चित्तवृत्ति लाभ होगी, तब गिरिराज जी का वास्तविक जो क्या महात्म्य अभी तो समझ नहीं पाते हैं, परंतु अभी हृदय में ये सारी चीज अनुभूति होगी। इतना कहकर मैं अपने वाणी को वक्तव्य देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रवण वरण पांच दशा है, पहली दशा श्रवण दशा, दूसरी वरण दशा। श्रवण कर रहे हो तो वरण तो करना पड़ेगा। दोनों भावना इतने हो गए गुरुदेव ने आदेश दिया है गिरिराज महिमा के बारे में वर्णित करने के लिए, तो हम लोग सुन रहे थे पूर्व वक्ताओं से किस प्रकार जो है गिरिराज जी रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रार्थना करी है कि गिरिराज जी के निकट में हमारा आश्रय हो, और इसका कारण बताते हुए वो कहते हैं क्यों, क्योंकि गिरिराज जी साक्षी हैं राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं के। किस प्रकार जो है गिरिराज जी पर रहकर ही उनकी सख्य लीला, भगवान कृष्ण की सख्य लीला और मधुर लीला, काफ़ी प्रकार की लीलाएँ हुई हैं भगवत कृष्ण की। इस वजह से रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि हमको गिरिराज जी के निकट आश्रय मिले। ये गिरिराज जी यहाँ जो है प्रकट कैसे हुए, तो इसके विषय में एक बार गुरुदेव वर्णन कर रहे थे किस प्रकार जो है राधा कृष्ण अपने निकुंज में बैठे थे और भगवान कृष्ण ने इच्छा करी कि मैं जो है धराधाम पर जाऊँगा। तो उस समय पर जो है राधा रानी को भी उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ में चलो, तो राधा रानी वहाँ पर मना कर देती है कि नहीं हम जो है वहाँ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि उस स्थान पर क्या गिरिराज जी होंगे, क्या उस स्थान पर जो है कुसुम सरोवर होगा, उस स्थान पर मान उस स्थान पर जो ब्रज की इतनी सुंदर सुंदर जगह है वो होगी, गिरिराज जी से किस प्रकार जो सुंदर झरने होते हैं, किस प्रकार गिरिराज जी के अंदर एक ही वृक्ष के अंदर सुंदर सुंदर पुष्प और सुंदर सुंदर फल, एक ही वृक्ष ऐसा है जो आपको सभी प्रकार के फल दे देगा, एक ही वृक्ष में सारे प्रकार के पुष्प सुसज्जित हो जाएंगे, तो क्या ऐसा कोई स्थान है वहाँ पर, क्या वहाँ पर मानसी गंगा होगी। ऐसी जब राधा रानी ने जिज्ञासा करी तब फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि जब हम वहाँ पर जाएंगे तो गिरिराज जी को स्वयं हम जो है लेकर चलेंगे। तो भविष्य पुराण में भी ये बात बताई गई है कि जो है गिरिराज जी भगवान की आंखों से प्रकट हुए, तो भगवान की आंखों से गिरिराज जी जो स्वरूप है, क्योंकि जैसे गिरिराज जी को बताया ना उनके दो स्वरूप है, वो एक तो हरिदास वर्य जैसे भी बता रहे थे वो हरिदास में सर्वश्रेष्ठ है, एक वो भगवत स्वरूप भी है, लेकिन हम साधक के लिए जो है उनका हरिदास वर्य स्वरूप जो है वो ही श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार की सर्विस मूड उनके अंदर है वैसा ही हमको सर्विस मूड चाहिए, तो इसीलिए हम लोग गिरिराज जी का आश्रय लेके भजन करने की चेष्टा करेंगे। यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इतना गंदा वाला लाइट तुम्हारी कथा में इतना प्रकाश है और प्रकाश लाइट को लाइट बोल रही मेरी जरूरत नहीं है। हाँ जी हाथ मरता करना ठीक है। हरे कृष्ण उसको उसको दर्ज करना और ऊपर ऊपर साइड ये बोलता हूँ। गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज गोवर्धन की जय। गौर ब्रह्मन
हरे कृष्ण हरि बोल, एक मिनट कीर्तन कर दो। हरे कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सती गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सती गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम तो इधर उधर आ जाओ सरक जाओ फट सरक और थोड़ा हरे कृष्ण और थोड़ा कृष्ण कृष्ण और एकदम सटक कर बैठो और थोड़ा हरे एकदम पास में राम राम हरे कृष्ण कैसे कर जाओ कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम निताई गौरंग जय निताई गौरंग निताई गौरंग जय निताई गौरंग निताई निताई गौरंग निताई निताई गौरंग जय निताई गौरंग निताई गौरंग जय हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि गौर हरि बोल 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 बोल हरि नाम संकीर्तन की बोल सचिनंदन गौर हरि की हरि गौर ब्रह्मानंद ओम ज्ञानते मिराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री गुरु जी की जय प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण हम लोग श्रवण कर रहे थे कत गल्या कत भगवान का नाम भजन करने का जो निगुड़ रहस्य क्या है मतलब भगवान का नाम हमें किस रूप में करनी चाहिए तब ये नाम संख्यात नामी रूप में प्रकट होगा। एक दिन कृष्ण प्रेम कृष्ण दर्शन हमें मिले इसलिए इसलिए प्रभुपाद जी कुछ कुछ अलग अलग समय पर उन्होंने कुछ कुछ उन्हें उपदेश दिया है और वह उपदेश को एकत्रित करते हुए
राजकीय ग्रंथों को प्रकाशित की गई। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, भगवान और भगवान का नाम में कोई फर्क नहीं, कृष्ण नाम ही साक्षात ये कृष्ण है। लेकिन जैसे हम हमारे नाम में अलग है, अगर हमारे नाम का अगर कोई फुकारे कोई बुलाए हम क्या पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन भगवान का नाम को कहीं भी ठाकुर जी का नाम को पुकार तो कृष्ण साक्षात ही प्रकट हो जाते हैं। इसलिए द्रौपदी ने जब नाम पुकारे झट आ गए घनश्याम। कृष्ण कहाँ? द्वारका में, और द्रौपदी कहाँ? हस्तिनापुर में बुला रही हैं। लेकिन जो बुलाए ना साक्षात कृष्ण साक्षात वहां प्रकट हो गए। जैसे गजराज हैं, जैसे श्री मगरमच्छ ने जब हाथी को पकड़ा, भगवान कहाँ? वैकुंठ में। कहाँ भगवान? वैकुंठ में। और कहाँ? ये मरते जगत में। उसने नारा, अभी उन्होंने ईण बोला ही नहीं, केवल नारा, केवल दो अक्षर उच्चारण किया, और इतने में चक्र आकर के उन्होंने मगरमच्छ को काट डाला। इसलिए कहते भगवान को जो जल्दी, केवल दो बार भगवान को जल्दी मची है, बोले एक तो द्रौपदी के वस्त्र हरण में, दूसरा है गजराज को उद्धार करने में। कहते भगवान को सबसे ज्यादा जो जल्दी मची, केवल दो बार उनको जल्दी मची है। इसलिए कहते जो कृष्ण नाम साक्षात कृष्ण है। अभी प्रश्न है, अभी हमें ये चीज उपलब्धि क्यों नहीं हो रही है? अभी हमें ये चीज उपलब्धि क्यों नहीं हो रही है? कृष्ण और ये कृष्ण नाम एक ही वस्तु अभी हमें उपलब्ध क्यों नहीं हो रही? बोले कारण है, अभी हम लोग अनर्थग्रस्त है। अब अभी हमें अनर्थग्रस्त है, हमारे हृदय काम क्रोध लोभ मोह से हैं परिपूर्ण, इसलिए भगवान और भगवान का नाम में विश्वास नहीं हो रही। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं, भैया ये चीज उपलब्धि किसको होता है? कृष्ण और कृष्ण नाम एक ही वस्तु, कोई अलग नहीं। कभी ये चीज उपलब्धि किसको होता है? बोले मुक्त पुरुषों को है। कभी जो मुक्त पुरुष है उनको ये चीज उपलब्धि होता है, कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई फर्क नहीं। जैसे श्री हरिदास ठाकुर जी है, जैसे हरिदास ठाकुर जी उनको मार बड़ी जोर से उसको पिटाई कर रहे हैं, बोले तू हरिनाम छोड़ दे, हरिनाम करना छोड़ दे। लेकिन जितने जोर से पिटाई हो रही थी ना, वो उतना जोर जोर से चीख चीख करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। कर जोर से बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। उतना जोर जोर से वो बोल रहे थे, अरे वैकुंठ से साक्षात ठाकुर जी आ गए चक्र सुदर्शन चक्र लेकर, आज ये सब को मैं खत्म कर डालूंगा। लेकिन जब सुदर्शन चक्र लेकर के आए ना, उन्होंने देखा हरिदास जिनको मारने के लिए आए हैं, जिन लोगों को मारने के लिए आए उनके लिए हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर, प्रभु ये मूर्ख है, ये अज्ञ है, इनको कुछ पता नहीं, इसलिए इनको आप अपराध से मुक्त कर दो, इनको मारो। ठाकुर जी ने देखा जिनको मारने के लिए आया मेरे भक्त उनका ही कल्याण सोच रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी ने किया कि अपना पीठ को उन्होंने हरिदास ठाकुर का पीठ में ही लगा दिया। और जितने पिटाई हुई ना, जितने पिटाई किसको ऊपर बड़ी है? ठाकुर जी को ऊपर। ठाकुर जी ने सबके सब ठाकुर जी ग्रहण कर लिया। कहते फिर ठाकुर को कोई कष्ट नहीं हुआ क्या? ठाकुर को पिटाई हुई। कहते भगवान इस सब जड़ वस्तु से भगवान अतीत है, भगवान अपराकृत दिव्य चिन्मय है, हैं? इसलिए ये प्राकृत वस्तु से भगवान अतीत है। इसलिए यहाँ पर कह रहे जो मुक्त महापुरुष है, हैं? जो मुक्त महापुरुष है उनको ये चीज उपलब्धि है, हाँ कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई फर्क नहीं, वो एक ही वस्तु कृष्ण कृष्ण, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हरि नाम करने का कितने महत्व। आप लोगों ने कोई बीज बोए हो, कोई पेड़ लगाया है हो? कौन कौन पेड़ लगाए हो जिंदगी में? कौन कौन पेड़ लगाए हो? आप देखना जब धान जैसे गेहूं होता है ना, उसको बीज को लेकर के वो ऐसे जमीन में फेंक देते हैं,
ऐसे लेकर फेंक देते हैं। अभी जब कोई बीज लगाए होंगे ये देख करके नहीं लगाए होंगे किधर उल्टा किधर सुलटा है। अब जैसे तैसे बीज का लगा दो, लेकिन जो पेड़ होगा ना कैसे होगा, वो पेड़ पूरा सीधा होगा, पेड़ उल्टा पुलटा नहीं होगा। भले ही बीज जैसे क्यों नहीं पड़े, लेकिन जैसे भी क्यों लगाओ, लेकिन पेड़ एकदम सीधा पेड़ होगा। इसलिए श्री गोस्वामी जी कहते हैं, अगर किसी तरह से भी भगवान के नाम को तुम उच्चारण करना, किसी तरह से भी प्रभु का नाम उच्चारण करो, लेकिन जो पेड़ होगा वो सीधा ही होगा। इसलिए उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि वहे ब्रह्म समाना, उल्टा नाम ले लेकर के। इसलिए बोले राम ना सकई नाम गुण गाई, कहते कृष्ण नाम भगवान का नाम है इतने महिमा, बोले राम ना सकई नाम गुण गाई, राम स्वयं अपना नाम की महिमा को राम भी था नहीं पाते, इतने नाम में प्रभाव है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते जो मुक्त पुरुष है उन लोगों को उपलब्धि भगवान के नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं। कहते ये प्रभुपाद का 13वां नंबर उपदेश है। उनका जो 14वां नंबर उपदेश है, नाम ओ नामी अभिन्न वस्तु, मतलब भगवान का नाम और जो कृष्ण ये कोई अलग नहीं, वो एक ही है। भगवान और भगवान का नाम कोई दो नहीं, वो एक ही है, वो एक ही है। कहते जो 15वां नंबर उपदेश है, शास्त्र श्रवण पठन और तद विषय का अनुसरण द्वारा नामेर स्वरूप उदित है। तो यहाँ प्रश्न होता है कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई फर्क तो है नहीं, अभी हमें अभी क्यों उपलब्धि नहीं हो रहा है, अभी हमें क्यों उपलब्धि नहीं हो रहा है। अब देखो कोई विपत्ति बढ़ जाए ना, बहुत बड़ा कोई विपत्ति बढ़ जाए, हम भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं। भगवान का नाम लेना भूल कर किसी ने बोल क्या, देखो वहां पर एक माता जी है, नई कोई माता जी प्रकट हुई, अगर वहां पर कोई जाए ना सब दुख दूर हो जाता। अब देखना अब हम कृष्ण नाम को छोड़ देंगे, पास वो माता जी को पीछे भागेंगे, बोले नहीं वहां पर एक बड़ा कोई नया देवता प्रकट हुआ है, हैं वहां पर कोई नया, अगर वहां जाओगे ना पास तुम्हारी क्या होगा दुख दुख। देखना भगवान का नाम को छोड़ करके, भगवत नाम को छोड़ कर क्या करके फिर हम वो बाबा के पास में दौड़े, वो बाबा के पास में दौड़ा सुन भगवान ने भजन भजन छोड़ देते हैं, भक्ति भक्ति छोड़ देते हैं। इसलिए कहते भैया भगवान का नाम से जो चीज नहीं हुई है, भगवान की नाम से जो चीज नहीं हुआ है दुनिया में ऐसे कोई चीज नहीं जिसको द्वारा तुम्हारा हो सकता है। नाम को द्वारा जो नहीं हुआ तुम्हारी दुनिया में और कोई भी चीज को द्वारा वो चीज हो ही नहीं सकता है। अगर कभी कल्याण होगा तो भगवान का नाम से ही होगा, जो नाम से नहीं हुआ और किससे तुम्हारी होने वाले नहीं। इसलिए जगाई माता कितने बड़े पापी थे, नाम सुने कि नहीं जगाई माता, जब जमदूत इनकी पाप को देख करके जा करके चित्रगुप्त को बोलते थे, हैं चित्रगुप्त बिगड़ जाता था, चित्रगुप्त बिगड़ जाता, बोले एक व्यक्ति इतने कोई पाप कर सकते हैं। उन्होंने इनके पाप को लिखते 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 पूरा घर भर गया। अभी वो सोच रहे हैं ये पापी कितना काल तक हैं, कितना काल तक इनको ये दंड भोगना पड़ेगा, बड़ा हैरान हो रहे थे। लेकिन जब श्रीमन महाप्रभु हैं, जब श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कृपा की और बोले कुछ भी करने का जरूरत नहीं, क्या करो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, केवल हरि नाम कीर्तन करो, केवल हरि कीर्तन करो, हैं और इतना बोल दो आर यदि ना करी सी सब दाएं मोर। देखो ये बहुत अच्छी बात महाप्रभु बोले, हाँ बोले तुम्हारे सारे पाप को तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, आर यदि ना करीस, मतलब अभी से और हम पाप नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये प्रतिज्ञा कर ले, अभी तक तो जो हो गया हमारी हो गया है, जो पाप अभी तक हमने कर लिया हैं, अगर अभी से बोले प्रभु जी हमारे अपराध को माफ कर दो, आज से हम कान पकड़ते हैं, जिंदगी में और कोई पाप हम नहीं करेंगे, और कोई पाप नहीं करेंगे। इसलिए 10 तरह का नाम अपराध में एक अपराध है नाम बले पाप बुद्धि, मतलब क्या है, अरे जो पाप करना कर लो ना,
अब क्या कर, जो पाप करना कर लो, कोई बात नहीं। क्यों शास्त्र कहता है एक कृष्ण नाम जब तो पाप हरे पापी रो साध्य ना है तब तो पाप करे। मतलब है एक कृष्ण नाम में इतने शक्ति है, इतने शक्ति है कृष्ण नाम में, पापी का हिम्मत नहीं उतना पाप कर सकता है। एक कृष्ण नाम में इतने शक्ति, कहते भैया जब एक कृष्ण नाम में इतने शक्ति है फिर जितना पाप करना करो, जितना पाप करना कर लो, करके क्या करो बाद में, बोले हरि नाम कर लेंगे बाद में, ज्यादा करके हरि नाम कर लेंगे, कहते ये और ज्यादा पाप लगेगा, ये और ज्यादा पाप लगेगा। इसलिए बोले इसलिए महाप्रभु बोले देखो सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पाप विमोक्षयामि महासुत। इसलिए कृष्ण भी यही कह रहे हैं क्या करो सारे धर्मों को परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, हाँ सारे अपराध को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ, हैं कहते मैं क्या करूंगा तुम्हारे सारे पाप को मैं मुक्त कर दूंगा, सारे पाप से मुक्त, मां सोचो कोई चिंता की कोई बात नहीं। इसलिए भगवान भी हमारे सारे पाप को ग्रहण कर सकते हैं अगर हम ऐसे बन जाए ना, प्रभु अभी तक जो होना हो गया, जो कर लिया कर लिया, आज से और हम कभी पाप नहीं करेंगे, अभी पाप नहीं करेंगे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जिस समय उन्होंने जगाई माता को उद्धार किया ना, है जब जगाई माता को उन्होंने उद्धार किया, उन्होंने माफी मांग ली महाप्रभु के चरण में और हम अपराध नहीं करेंगे माफ कर दो, उस जब उन्होंने उद्धार कर दिया, दिन में एक एक लाख हरिनाम करते थे और जितने व्यक्तियों को उन्हें कष्ट पहुंचाया उनके लिए सुंदर घाट बना देते थे, जितने लोग आते थे सबका चरण धुल लेते थे, सबका चरण धुल लेते थे, जब उन्होंने उनको उद्धार कर दिया, जब महाराज महाप्रभु की प्रेम को देख करके महाप्रभु की करुणा को अवधान को देख करके जब महाराज तो मूर्छित होकर गिर पड़े, मूर्छित होकर गिर पड़े वहां पर, इतने दयालु महाप्रभु, इतने कृपालु महाप्रभु, और जमपुरी में वहां पर नृत्य कीर्तन कर रहे थे, हरि बोल बोले श्री सचिनंदन गौर हरि। इसलिए वहां पर सबके सब जय जयकार महाप्रभु कर रहे थे, महाप्रभु कितने दयालु महाप्रभु, कितने दयालु महाप्रभु। इसलिए कहते जो भगवान का जो नाम है, क्या है भगवान का नाम, भगवान से अभिन्न वस्तु भगवान की नाम। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, कहते ये जो कृष्ण और कृष्ण नाम अभिन्न, ये कब हमारे हृदय में कब उदय होगा, बोले तभी उदय होगा जब भगवान के नाम की महिमा को सुनते रहेंगे। जब तक कथा नहीं सुने ना, कल प्रभु जी बता रहे थे ना, धर्म सुनिष्ठित पुंसांग विश्वक्सेन कथा सुचो, और दूसरे दूसरे धर्म को तो अच्छे तरह से जाते नहीं करते, लेकिन कृष्ण कथा में कृष्ण नाम में तुम्हारी रुचि नहीं, कृष्ण कथा में रुचि नहीं, तुम्हारी कृष्ण कथा में रुचि नहीं है, कहते और जितना कर रहे हो ना सबके सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि सबके सब तुम्हारी बेकार हो जाएगी। अब देखना एक लड़की जब एक लड़का को प्रेम करता है, एक लड़का जब लड़की को प्रेम करता है ना, उसका कोई बात हो ना कान खड़ा हो जाता है, उसके कान खड़ा हो जाता है, और वो लड़की का नाम लड़का लड़का का नाम कापी में लिखेगा, दीवार में लिखेगा, शरीर में लिखेगा, क्यों क्यों उसको उसको प्रेम करता है ना, उसका प्रेम करता है और उसकी कथा सुन ले कान खड़ा हो जाता है। कहते उसी तरह हम भगवान के प्रति हमारी कितना प्रेम है पता कैसे चलेगा, कहते जिसको जितना उनकी कथा में जिसको जितना रुचि है ना, जिसको जितनी कथा में रुचि उसका भजन देखना उतना ही भजन बढ़ेगा। इसलिए रुक्मिणी जब कृष्ण के पास में पत्र लिख रही है यही बता रही, बोले प्रभु मैं आपको दर्शन नहीं किया है, आप भी मुझे दर्शन नहीं किए हो, लेकिन नारद जी के मुंह से तुम्हारी कथा सुनते 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 आप मेरे रोम रोम में आप बैठ गए हो, इसलिए मैं शादी करूंगी ना, केवल आपसे शादी करूंगी, दुनिया में किसी सियार को मैं ग्रहण नहीं करूंगा, शादी करूंगा तो शेर से है, इसलिए आप पुरुष सिंह हो, शादी करूंगा तो आपसे और किसको मैं शादी नहीं करूंगा। बोले क्यों, बोले केवल श्रुत गुणानुकथनम, केवल तुम्हारी कथा सुनते 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 इतना। अब लोग हम लोग भी अभी तक तो कृष्ण को देखा ही नहीं, देखे हो कृष्ण को अभी तक, हमने कोई कृष्ण देखा ही नहीं, लेकिन लेकिन इतने दूर दूर से एक एक महीना के लिए सब छोड़ छाड़ करके क्यों यहाँ पर तिलक कंठी माला लगा करके हाँ दिन रात घूम रहे इधर उधर घूम रहे क्यों है,
कृष्ण आज व्रत पूरा गोवर्धन परिक्रमा लगाए और सोने के भी सही नहीं मिल रहा है, खाने के भी अपना जैसे चाहते हो नहीं मिलता, तब भी हम इतना क्यों कष्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमने उनकी कथा को सुन लिया, उनकी कथा को सुन लिया। इसलिए कभी कभी गोपियां राधा रानी कर खबरदार इनकी कथा को मत सुना करो, मना कर खबरदार इनकी कथा मत सुना है। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते ना, तब कथा मृत ताप्त जीवना कभी भी काल मसाप श्रावण मंगल श्रीमदा तथा भोवी गृणन्ति ते भोरिदा जना। कहते एक तरफ में कृष्ण की महिमा को गा रही है, दूसरे तरफ में कृष्ण को बेज स्तुति मतलब निंदा छलना में स्तुति है। एक तरफ में कहते हे कृष्णा तुम्हारी जो कथा है ना अमृत है, उसको जो पान करेगा वो अमरत्व को प्राप्त करेगा। दूसरे तरफ पे कहते खबरदार उसकी कथा सुनो मत, उसकी कथा सुनो मत, कथा नहीं कथा मृतम, जो सुनेगा ना वो मरेगा, जैसे हम लोग मरे हो क्योंकि कथा सुन लिया ना, इसलिए चैन नहीं पड़ता। कार्तिक महीना होते चैन बेचैन, कब वृंदावन जाए, कब वृंदावन जाए, कब वृंदावन जाए, कोई झूठ बोल करके कोई जिंदगी भर थोड़ी थोड़ी पैसा को है जमा करते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी पैसा को हम कहाँ जाएंगे, वृंदावन जाएंगे। अगर पति को कान में पड़ेगा ना पत्नी को धोखे दे करके, अगर पत्नी को कान में पड़ेगा ना पति को धोखे दे करके वृंदावन आए होंगे, है ना, आए ना। जब पत्नी आए होगी एक साल से पति को बनाते होंगे, मैं जाऊंगी कहाँ जाऊंगी कहाँ जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी, मनाते होंगे मनाते 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 पति को कितना कष्ट से मनाते मनाते हमें जाओगे नाम ने। अगर मना कर दिया तो रोटी फेंक कर देते होंगे, मुंह मोड़ करके बात करते होंगे कि हमें आदेश नहीं देते हैं। हाँ इसलिए कहते कितना बहाना बना बना करके, इसलिए गोपियां कहते खबरदार उनकी कथा को मत सुना करो, जो सुनोगे ना मरोगे, सुनोगे तो उनकी कथा को तो मरोगे। इसलिए कहते तब कथा अमृतम और तब कथा मृतम, कहते तप्त जीवनम, कहते जो कृष्ण कथा सुनेंगे ना जो उत्तप्त जीवन जो दुखमय जीवन है शांत हो जाता है, जीवन में परम शांति प्राप्त होता है। गोपियां कहती है कौन कहता है उसकी कथा सुनने से शांति मिलती है, उसकी कथा सुनोगे ना बेचैन बन जाओगे हैं, राधे राधे बोल और वृंदावन में डोल। इसलिए उनकी कथा सुनोगे ना तप्त जीवनम, तुम्हारी जो जीवन है उत्तप्त कृष्ण विरह में तुम्हारी जीवन उत्तप्त हो जाएगी। इसलिए खबरदार उनकी कथा का मत सुनो। इसलिए गोपियां कहती जो साधु लोग है ना भैया इनके चक्कर में मत पड़ा करो, वो कह रहे इनके चक्कर में मत पड़ा करो, ये बगल में पुस्तक को दबा करके बोले आ जाओ भागवत कथा सुनाएंगे, फ्री में सुनाएंगे, कोई पैसा की जरूरत नहीं। आज बगल में एक भागवत पोथी दबा करके कहते आ जाओ कथा सुनाएंगे, ये कथा नहीं कथा की जाल बिछा करके ना खुद का भी घर मकान दुकान है नहीं, खुद का ऐसे कथा सुना सुना करके कृष्ण की कथा सबको पागल बना करके ना घरवार छुड़ा देते हैं, हैं इनकी घरवार छुड़ा देते हैं। इसलिए खबरदार कहते इनकी कथा को मत सुना करो, बिना पैसा में सुनाते सुनाते बस ऐसे पागल बनाएंगे, ऐसे देखो सो बच्चों को सो पागल बना दिया साधु लोगों ने घरवार छोड़ करके कहाँ घूम रहे। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं अभी तो हमारी कृष्ण नाम प्रति प्रीति कैसे होगा, हमारी कृष्ण नाम में प्रीति कैसे होएगा, बोले क्या करो बोले उनकी कथा सुनो, उनकी कथा सुनो महिमा सुनो। जब उनकी कथा महिमा सुनोगे ना अब देखना जिसकी कथा तुम सुनते रहोगे जिनकी महिमा तुम सुनते रहोगे धीरे धीरे क्या होगा उसके प्रति धीरे धीरे तुम्हारी प्रीति ममता प्रेम धीरे धीरे बढ़ते जाओगे। जिसकी कथा सुनोगे अभी तक हमने कृष्ण दर्शन नहीं किया लेकिन दर्शन नहीं करने पर भी देखो कितने विश्वास हो गया उसकी कथा सुनते सुनते, तिलक माला कंठी लगा कर दुनिया में गाली दे रहे हैं तिलक लगाओ ना ये सब क्या छाप लगा दिया ये सब क्या कल्ला में कंठी पहन लिया, हाँ बंगाल में कोई तिलक लगाओ ना बोले बगुला क्या टाटी कर दिया है अगर कोई चोटी रख लिया ना बोले कि ये कोई एरियाल है, अरे गले में कंठी बांध लिया तो बोले कौन सा पाप क्या गले में कंठ तुमने लकड़ी डाल दी है वो, हाँ ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं ऐसे ऐसे। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं लेकिन कृष्ण के प्रति इतने विश्वास
उनके कृष्ण के प्रति इतने विश्वास है, उनकी हो गया कथा सुनते सुनते नहीं ठाकुर जी है, गले में कंठी तिलक हमें लगा, भले ही दुनिया क्या बोले, मैं तो है गई तेरा, दुनिया क्या जाने हैं, इसलिए सारा दुनिया को प्रक्षेप नहीं करता है, और चोटी तिलक माला रख करके क्या करते भगवान की भक्ति, भगवान की भजन करते रहते हैं। इसलिए कहते कब होगा, इसलिए प्रभुपाद गए थे क्या करो, बोले शास्त्र को पढ़ो, शास्त्र कथा सुनो, पठन पाठन करो, और तद विषय को अनुशीलन द्वारा नामर स्वरूप उदित है। जब हम तद विषय को हम अनुशीलन करेंगे, कृष्ण नाम का हम सुनेंगे, उनकी महिमा को सुनेंगे, पठन पाठन करेंगे, फिर धीरे 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 क्या होगा, धीरे धीरे जितने परिमाण में, इसलिए इसने में एक श्लोक में बताए जथांजनो, तब एक श्लोक याद नहीं आ रही, पता नहीं उस श्लोक में कह रहे जथा जथात्मा परिमृजत असो तत्नाम गुणाभिधानई तथा तथा पश्यन्ति वस्तु सुखमम। तो एक उदाहरण देकर के बताए हैं कि जैसे आंखों में अंजन लगाने से, आंखों में काजल लगाने से क्या होता है, धीरे 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 आंखों का जो ज्योति है ना, धीरे 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 आंखों की ज्योति धीरे धीरे बढ़ती रहती है, जैसे काजल लगाओगे। क्या तो उसी तरह जब भगवान की कथा कीर्तन भगवान की नाम को ग्रहण करे तथा यथा परिमृजत असो तत नाम गुणाभिधानई हैं तथा तथा पश्यति वस्तु सुखमम, जितने परिमाण में कथा सुनेंगे उनके नाम कीर्तन करेंगे, धीरे धीरे जैसे आंख में काजल लगाने पर आंखों की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह धीरे 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 क्या होगा, कृष्ण नाम कृष्ण कीर्तन भक्ति का प्रति हमारा विश्वास नहीं बनेगा, अब विश्वास बनेगा, हरि नाम करते 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 क्या होगा, धीरे 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 कृष्ण, और जो कृष्ण नाम कोई अभिन्न नहीं, वो एक ही वस्तु है, वो धीरे 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 उपलब्धि होगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्पापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तन। इसलिए महाप्रभु हरिनाम करने से धीरे 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 चित्तरूपी दर्पण परिमार्जन होगा है, संसार का सारे दुख दूर होगा, हृदय रूपी कुमुदिनी प्रकाशित होगा, विद्या रूपी बधु का जीवन स्वरूप है, एक दिन ऐसे आएगा प्रति पद पद में एक नई 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 आनंद की अनुभूति होगी है, एक दिन ऐसा आएगा संपूर्ण कृष्ण नाम रस में डूब जाओगे। कैसे होगा, बोले धीरे धीरे होगा, जब उनकी कथा सुनेंगे नाम कीर्तन करेंगे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं उत्साहित होकर के क्या करो, उत्साहित होकर के भगवान का नाम कीर्तन कथा सुनते रहो, हरि भजन करते रहो है, भले ही दुनिया छूट जाए लेकिन भगवान के नाम नहीं छूटनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद बड़े दृढ़ विश्वास पूर्वक उत्साह देकर कहते हैं, इसलिए प्रभुपाद कभी कभी कहते हैं भगवान के नाम के प्रति विश्वास करते हुए हरि नाम करते रहो, खाने पीने का कोई चिंता मत करो, खाने पीने का कोई अगर कोई अभाव होगा ना, प्रभुपाद कहते हैं मैं बैकुंठ से गोलोक वृंदावन से सोने की ईंट ला दूंगा, कहते हैं मैं गोलोक वृंदावन से सोने की ईंट को ला दूंगा, इसलिए कोई चिंता मत करो, खूब हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। इसलिए हमें उत्साह पूर्वक हरिनाम कीर्तन कथा हम करनी चाहिए। कहते प्रभुपाद का हरिनाम का प्रति ये अच्छी अच्छी उपदेश बता रहे हैं, कल और कुछ कथा सुनेंगे, अभी हमारे संजय प्रभु जी थोड़ी सी आपको कथा सुनाएंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, सचिनंदन गौर हरि की, बोले प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अभी आज गुरु महाराज जी की हम लोग हरि कथा जो सुन रहे थे
उसमें से एक बड़ी हृदय स्पर्शी बात मैं केवल 10 मिनट आपको बता दूंगा, अभी थोड़ा समय है। हमारे विजय प्रभु जी दूर बैठे हैं, उनको थोड़ा रास्ता दे दो, तो आज प्रभु जी के मुख से भी हम लोग कुछ 15-20 मिनट सुन। आ जाओ तो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। आ जाओ कल से ना मैं ऊपर बाहर बैठे। हाँ प्रभु जी कल से करेंगे। क्या है ना, मैं सोचता हूँ अगर कम लोग हो ना फिर बाहर बैठूंगा, फिर ज्यादा भक्त हो जाए तो फिर मैं सोचता बाहर कल से बैठ। संख्या बढ़ने के अनुसार स्थान बढ़ेगा। ये प्रभु को कौन जानते हो? कौन नहीं जानता। देखो ये प्रभु जी ना, प्रभु जी ये अमेरिका में PhD कर रहे थे, ठीक। जब गुरुदेव वहाँ प्रचार करने के लिए गए तो इन्होंने गुरुदेव को देख करके हरि कथा सुन करके, अभी हम बोल रहे थे ना गोपियाँ कहते तब कथा मृतम, खबरदार कथा मत सुना, जो सुनेगा ना बस मर जाएगा, है कथा मार देगा उनको। इसलिए प्रभु जी अमेरिका में PhD कर रहे थे, है नौकरी करते तो पता नहीं कितना लाख रुपया जिनकी सैलरी मिलती, लेकिन सब छोड़ करके देखो बाबा बन करके मुड़ा करके इसलिए राधे राधे बोलो वृंदावन में डोलो। इसलिए जिनकी इसलिए गोपियाँ कहती थी कान में कथा पड़ी गई ना बस न कहते ना घाट की कुत्ते क्या घर के कुत्ता ना घाट के ना धोबी का कुत्ता हरे कृष्णा। हम लोग सुन रहे थे जब हमारे ये अनुपम प्रभु जी हरि कथा बोल रहे थे। देखिए बात बड़ी अच्छी है, महाराज जी जो बता रहे थे, हमारे गुरु महाराज जी का ये बड़ा विशेष वैशिष्ट्य है, जिस किसी प्रकार से भी गुरु महाराज जी के संपर्क में जो कोई भी उनके संग में आया, गुरु महाराज जी का एक विशेष वैशिष्ट्य था और उनकी हरि कथा का भी ये विशेष वैशिष्ट्य था, ब्रज भाव से संपूर्ण रूप में ओत प्रोत उनकी हरि कथा, उनकी हरि कथा ने जिसको भी स्पर्श किया उनके हृदय में ये ब्रज भक्ति और ये ब्रज भाव थोड़ा अधिक अवश्य ही जागृत हुआ। हमारे सिंघानिया प्रभु जी हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे सिंघानिया प्रभु जी जो लोग जानते हों, उनकी बेटी शिला प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे पूज्यपाद कृष्ण केशव प्रभु जी, जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य गौड़िया मठ में जो प्रभुपाद जी की आविर्भाव स्थली है वहाँ पर रहते थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे पूज्यपाद कृष्ण केशव प्रभु जी। हमारे सिंघानिया प्रभु जी की बेटी उनके पास में गई और उनसे जाकर के पूछा कि मुझको रागानुगा भक्ति और रूपानुगा भक्ति क्या है, इसके बारे में मुझको थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। तो उन्होंने झट से उत्तर दिया, तुम क्या श्री नारायण महाराज जी का संग करते हो? सुन करके झट से बताया कि क्या तुम श्री नारायण महाराज जी का संग करते हो? बिना उनका संग किए तो ये रूपानुग रागानुगा की बातें ये तो सुनने को मिलती नहीं। ये गुरु महाराज जी का बड़ा विशेष वैशिष्ट्य था, उनकी हरि कथा ऐसी जीवंत हरि कथा हम लोग सुनते और आज आश्चर्य में पड़ रहे हैं। और गुरु महाराज जी का ये सब प्रकाश, हमारे महाराज जी हमारे सब गुरु भ्राता गण इतनी अच्छी अच्छी बातें गुरु महाराज जी की स्मरण कराते हैं, सबके चरणों में हमारा प्रणाम। आज अधिक समय नहीं लूंगा, प्रभु जी को हम सुनेंगे। इन तो एक बड़ी हृदय स्पर्शी बात इन्होंने जब कही, देखिए गुरु महाराज जी अपनी हरि कथा में एक बड़ा विशेष उन्होंने विषय बतलाया, बड़ा विशेष, सुनना और समझना बात को। गुरु जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के निकट में लगभग 16 से 18 वर्ष रहे, अंतरंग पूर्वक उन्होंने महाप्रभु जी की सेवा की। महाप्रभु जी अप्रकट हुए, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ आए? ब्रज में आए, और ब्रज में किसका आश्रय लिया करके? श्री रूप सनातन गोस्वामी जी का। श्री रूप सनातन गोस्वामी जी ने छोटे भ्राता के रूप में उनको अपने पास में रखा। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ब्रज में रहकर भजन करने लगे और उन्होंने स्थान कौन सा चुना, विशेष करके श्री राधा कुंड का तट। अब जो विषय गुरु जी कह रहे हैं उसको सुनना ध्यान से, कैसी गंभीर बात है। हमको जो हृदय में जिसको लाना पड़ेगा, जिस बात को, जिस भाव को, बिना उसके साधन अधूरा है, बिना उसके हमारा साधन आरंभ भी नहीं हुआ।
तो गुरुजी बतला रहे हैं कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड के तट पर हैं और ये गिरिराज गोवर्धन की महिमा लिख रहे हैं जो हम सुन रहे थे। प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते रचयति नवयून और द्वंद्व अस्मिन मंदम इति किल कलनार्थम लग्न कसदत दौर में निज निकट निवासम देहि गोवर्धन तुम। एक एक शब्द की जब हम विस्तृत व्याख्या सुनने जाएंगे, जब उसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे बहुत डीप, इतना गंभीर और सुंदर अर्थ है। प्रमद मदन लीला, ये प्रमद मदन लीला क्या है? कृष्ण भावनामृत में, गोविंद लीलामृत में बड़े उन्नत स्तर की ये सब बातें। राधा कृष्ण, यदि साधारण रूप में कहें तो श्रीमती राधिका और कृष्ण गिरिराज जी की एक एक गुफा और कंदरा में अपनी बड़ी गंभीर लीलाओं को संपादित करते हैं। श्री दास गोस्वामी जी ने और भी कहा, रंगे गुड़ गुहासु चा प्रथयति स्मार क्रियाम राधाया कस्तु सौभग भूषितांचित तनुम गोवर्धनम नाश्रयेत। अब समझना बात को, कहीं क्रम छूट ना जाए, यदि क्रम छूट जाएगा ध्यान से नहीं सुनोगे तो मूल वस्तु रह जाएगी। तो गुरुजी कहते हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी गिरिराज जी का कैसा अद्भुत दर्शन कर रहे हैं, ये कहते हुए कि कौन ये गिरिराज जी का आश्रय नहीं ग्रहण करेगा। कस्तु सौभग भूषितांचित तनु गोवर्धनम ना आश्रय, कौन गिरिराज जी का आश्रय नहीं लेगा। ये गिरिराज जी इतने सौभाग्यवान है कि केवल कृष्ण नहीं श्रीमती राधिका भी ये गिरिराज जी की एक एक कंदरा में अपनी बड़ी निगूढ़ लीलाओं को, निकुंज की लीलाओं को संपादित करती हैं। तो गिरिराज जी का आश्रय कौन नहीं लेगा। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं, हमने रूप गोस्वामी जी की तिथि पर भी ये सब चर्चा की। रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं क्या, निज निकट निवासम देहि गोवर्धन तुम, मुझको अपने निकट में वास दे दो। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड की महिमा कह रहे हैं, कैसी अद्भुत उन्होंने वृषभ अदनुज नाशार नर्म धर्मोक्ति रंगेर निखिल निज सखी बृहत स्वहस्ते न पूर्णम प्रकटितमपि वृंदारण्य राज्ञा प्रमोदेश तदपि सुरभि राधा कुंड में आश्रय में। अरे राधा कुंड मेरा आश्रय हो जाए, ये राधा कुंड का आश्रय मुझको मिल जाए। क्यों? गुरु जी कहते हैं ये राधा कुंड क्या है, ये श्री राधा कुंड श्रीमती राधिका जी से संपूर्ण रूप में अभिन्न है। यदि कोई राधा कुंड का आश्रय ले, थोड़ी सी भी उनकी सेवा कर दे, तो ये राधा कुंड बड़ी शीघ्र संतुष्ट होकर श्रीमती राधिका के दास्य भाव को ही देने वाले हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी क्रंदन कर रहे हैं, राधा कुंड का आश्रय मांग रहे हैं, गिरिराज गोवर्धन का आश्रय मांग रहे हैं। ये ब्रज की कितनी महिमा रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, ब्रज धाम की कैसी अद्भुत महिमा रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कही। तो गुरु जी कहते हैं वही रघुनाथ दास गोस्वामी, देखो यही बात समझनी है, वही रघुनाथ दास गोस्वामी जो गिरिराज गोवर्धन की ऐसी अद्भुत महिमा गा रहे हैं, राधा कुंड की महिमा गा रहे हैं और उनसे आश्रय की प्रार्थना कर रहे हैं, वही रघुनाथ दास गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी जी के बिरह में क्या कह रहे हैं। जो रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड की महिमा, गिरिराज गोवर्धन की महिमा बड़े व्याकुल चित्त से गा रहे हैं, उनके आश्रय की प्रार्थना कर रहे हैं, और गुरु जी कहते हैं उनको मिला भी राधा कुंड का आश्रय मिला, गिरिराज जी का आश्रय मिला, वही रघुनाथ दास गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी जी के विरह में अत्यंत व्याकुल होकर क्या कहते हैं। शून्यायते महागोष्ठम गिरिंद्रो अजगरायते व्याघ्र तुंडायते कुंडम जीवातु रहितस्य में। ये समझना है, इस भाव को समझना है। गुरु जी कहते हैं वही रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी जी के विरह में ये गिरिराज गोवर्धन को क्या कह रहे हैं, अरे तो अजगर के समान है, ये राधा कुंड बाघ के समान है, ये ब्रज जो है शून्य हो गया। समझ में आई बात। जो रघुनाथ दास गोस्वामी इतनी महिमा गा रहे हैं गिरिराज जी की, उनको गिरिराज जी बाघ लग रहा है। क्यों? रूप गोस्वामी जी के विरह में। हम साधु संघ की बात सुन रहे थे अभी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी जी के विरह में इतने व्याकुल हो गए, उनको गिरिराज गोवर्धन बाघ लग रहा है, उनको राधा कुंड अजगर लग रहा है, और ये ब्रज जो है शून्य लग रहा है। कोई भक्त नहीं था, गुरु जी कहते ब्रज में रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए कोई भक्त नहीं था, किंतु रूप गोस्वामी जी का जो संग है उसके उस संग में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जिस अमृत का पान करते हैं साधुओं के संग में, वो अमृत उनको नहीं मिल रहा, तो इसलिए उनको वही गिरिराज गोवर्धन बाघ लग रहा है, वही राधा कुंड अजगर लग रहा है। तो गुरु महाराज जी कहते देखो ये विरह की बात है, जब तक ये विरह का भाव हमारे हृदय में नहीं आएगा कुछ, तब तक हमारा वास्तव में साधन आरंभ नहीं हुआ। गुरु महाराज जी ने नवदीप परिक्रमा के समय वर्ष 1997 में बात कही, हम कथा सुन रहे थे संध्या के समय, और गुरु महाराज जी कह रहे हम साधन तो कर रहे हैं, किंतु साधन करते हुए हमारे हृदय में यदि ये विरह का भाव नहीं आ रहा है, वास्तव में हमारा साधन नहीं आरंभ हो रहा, अभी साधन ही आरंभ नहीं हुआ। तो गुरुजी इसी बात को कह रहे हैं, हम कृष्ण की लीला स्थलियों पर क्यों जाते हैं, साधुओं के संग में क्यों जाते हैं, उन लीला स्थलियों पर जाकर के हम वहाँ की लीला श्रवण करते हैं, वहाँ की लीला श्रवण करके कृष्ण का महात्म्य सुनते हैं, कृष्ण कैसी लीलाएं करते हैं ब्रजवासियों के साथ, श्रीमती राधिका के साथ,
उन लीलाओं को सुनकर के हमारे हृदय में कुछ लोभ आए और उस लोभ के लिए फिर हम वास्तव में साधन करें, प्रार्थना में साधन। हमारा भी कब ऐसा दिन आएगा, निज निकट निवासम देही गोवर्धन, तो मेरा कब ऐसा दिन आएगा मुझको ब्रज में इस स्थान पर वास मिलेगा, मुझको गिरिराज जी के चरणों में वास मिलेगा। ये लोभ जगाने के लिए, और ये लोभ के साथ साथ ये कुछ विरह का भाव आए। जब तक ये विरह का भाव नहीं आएगा तब तक गुरु महाराज जी कह रहे साधन आरंभ नहीं होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्रज धाम में आए, वो तो स्वयं कृष्ण है, राधा जी का भाव लेकर आए। जब वो ब्रज की लीला स्थलियों में आए, एक एक लीला स्थली उनको ऐसी उद्दीपना कराने लगी कि श्री चैतन्य देव ब्रज में रह ही नहीं सके, शीघ्र लौट गए ब्रज से। एक एक लीला स्थली उनको ऐसी उद्दीपना करा रही है। तो गुरु जी कहते हैं हमारा अभी जो सुन रहे थे ना, क्यों हमको उपलब्धि नहीं हो रही, ये श्री नाम हम कर रहे हैं। नाम के विषय में क्या कहा गया, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्न त्वान नाम नामिनो। ये नाम तो साक्षात अभिन्न है कृष्ण से, किंतु हमको अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों? अभी हृदय जो है ना वो अपराधों से कठोर हो गया। तदश्म सारम हृदयम वतेदम यद ग्रह्य माणे हरि नाम धेये ना विक्रियता द्यता विकारो नेत्रे जलम गात्रु हेषु हर्षा। शास्त्र बतला रहे जीव जैसे ही हरि नाम लेगा नेत्रों से अश्रु आएंगे, ये पुलक हो जाएगा, हृदय गदगद हो जाएगा, वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, किंतु हमको तो ये सब विकार नहीं होता। क्यों? तदश्म सारम हृदयम वतेदम, हृदय जो है वो पत्थर के समान कठोर हो गया है। इसलिए नाम करते हैं, हरि कथा सुनते हैं पुनः, किंतु फिर भी क्या होता है, वो भीतर में प्रवेश तो करती है किंतु प्रवेश करके स्थान नहीं पाती। गुरु महाराज जी कह रहे इस बात को, हरि कथा भीतर में प्रवेश तो करती है, कान से सुन भी लेंगे, हृदय तक यदि पहुंच भी पाए, हृदय में तो और इतना सारा कुछ भरा पड़ा है, उस हरि कथा को स्थान ही नहीं मिलता, तो वो क्या होती है, वो वापस लौट आती है, वो प्रभावहीन हो जाती है यदि हम उसको स्थान नहीं देंगे। तो गुरु जी कह रहे स्थान देने का अर्थ क्या है, आदर के साथ प्रतिदिन यदि आदर करिया से नाम कीर्तन करी, आदर के साथ में यदि उस हरि कथा को श्रवण करें, और श्रवण नहीं केवल उसका मनन करें, उसका पालन करें अपने जीवन में, वैसी प्रार्थना हो हमारे जीवन में, वैसी व्याकुलता हो हमारे जीवन में, तब वास्तव में, क्योंकि वो हरि कथा भी क्या है, वो भी कृष्ण से अभिन्न है। तो जब साधु के निकट जाकर हरि कथा सुनेंगे, देखिए शिला प्रभुपाद जी की बात सुन रहे हैं, शिला प्रभुपाद जी ने क्या कहा, साधु के निकट में जाएंगे क्या भावना लेकर के जाएंगे, श्रद्धा कैसी श्रद्धा हो, हमारी श्रद्धा कैसी हो। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं वी शुड हैव इम्प्लिसिट रियलाइज इन द वर्ड्स ऑफ श्री गुरु, गुरु के प्रति, गुरु के शब्दों के प्रति इम्प्लिसिट रियलाइज, संपूर्ण रूप में आंतरिक भरोसा हो, मेरे गुरु महाराज जी जो बात कह रहे हैं वो संपूर्ण सत्य है। गुरु पाद पद्म कौन है, वो भगवान से अभिन्न है, गुरु जी जो बात कह रहे हैं वो परम सत्य है। तो वी शुड हैव इम्प्लिसिट रियलाइज इन द वर्ड्स ऑफ श्री गुरुदेव, गुरु के वचनों में, साधु के वचनों में संपूर्ण रूप में विश्वास हो, श्रद्धा हो उसके प्रति। जब ऐसा विश्वास हृदय में उत्पन्न होगा, जागृत होगा, तब वास्तव में क्या होगा, साधु विल गुड, साधु विल गिव द हाईएस्ट गुड, तब वो उनके हृदय में जो वस्तु छुपी हुई है ना, जब हमारी संपूर्ण श्रद्धा होगी उनके प्रति, संपूर्ण निष्ठा होगी, आदर होगा उनके वचनों में। ऐसा नहीं कि केवल औपचारिकता के लिए कथा में बैठे परिक्रमा करने आए, कुछ सुन लिया, गुरु जी कहते हैं ना आदर के साथ में, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ जब इनको सुनेंगे और उसको जीवन में लाने के लिए कुछ व्याकुलता हो। गुरु जी बतला रहे इस बात को, कथा में बैठे बाहर गए और बाहर जाकर के बस इतना भी स्मरण नहीं है क्या सुना, सुन रहे हैं तो कुछ सुकृति लाभ होगी अवश्य ही, किंतु गुरु जी कह रहे हैं जब ऐसा सौभाग्य होगा कि उस वस्तु पर जो सुना कान में उस पर मनन आरंभ हो जाएगा और उसके साथ में हमारा संबंध हम अनुभव करने लगेंगे। ये सब कुछ तो हो रहा है, देखो श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी जो बात सुन रहे थे, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की एक बात स्मरण हुई, वो ब्रजमंडल परिक्रमा के समय वो गोविंद देव जी का दर्शन करने गए, कभी दर्शन करके आए गोविंद देव जी का, और हमारी उमा दीदी वो गई उनसे मिलने के लिए, तो श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी उनको कहते हैं, उनकी भाषा में बतला रहा हूँ, उमा मैं तो दर्शन करके आया गोविंद देव जी का, किंतु रूप गोस्वामी जो तो लिख रहे हैं गोविंद देव जी का जो दर्शन करने जाएगा क्या होगा, घटी पे विपद भारी जे ना को हे संसारी, मथुरा या केशी तीर्थ घाटे रे सकाश, अरे बड़ी विपद होगी, सब कुछ छूट जाएगा अगर गोविंद देव जी का दर्शन करोगे। तो श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कह रहे मैं तो दर्शन करके आया, मेरा तो ऐसा चित्त में कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ, मैंने तो दर्शन किया गोविंद जी का किंतु मेरे तो चित्त में कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ, मेरा तो कुछ ऐसा अनुराग ही नहीं हुआ। अब वो है मुक्त भूमिका में, वो है बहुत उन्नत स्तर पर, वो हम जगत जीवों को शिक्षा दे रहे हैं कि दर्शन तो करने गए, श्री विग्रह का दर्शन किया, लीला स्थलियों का दर्शन किया, किंतु वो जो इम्प्रेशन हमारे हृदय पर है, हमारे हार्ट पर जो इम्प्रेशन पड़ा है, वो कितना गाढ़ा इम्प्रेशन पड़ा है, ये प्रश्न है।
इसी बात को गुरु जी कह रहे हैं, बार 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 जा तो रहे हैं, कितने वर्षों से परिक्रमा कर रहे हैं, किंतु लेकर के क्या जा रहे हैं वापस में, वो इंप्रेशंस कितने हृदय में जो है प्रबल होते जा रहे हैं, अथवा अपने स्थान पर गए सब चीजों को भूल गए या यत्किंचित कुछ स्मरण है। तो गुरु जी कहते हैं जितना आपने प्रयास किया उस वस्तु को लेने के लिए, वो वस्तु क्या है, चिन्मय वस्तु है, भगवान चिन्मय, हरि कथा चिन्मय, साधु चिन्मय, उनकी वाणी को जितना आपका आदर है लेने के लिए, जितना आग्रह है लेने के लिए, उतना ही क्या होगा, वो अपने आपके हृदय में स्थान करेगी, उतना ही वो स्थान बनाएगी। इसलिए कहा ना शुणुवताम सो कथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो यह भद्राणि विद्रोति सुहृत सताम। श्रद्धा के साथ में सुने, आदर के साथ में विचारों को हृदय में प्रवेश कराएं, पालन करने की चेष्टा करें, प्रार्थना के साथ, मेरा कब ऐसा सौभाग्य होगा। नरोत्तम दास ठाकुर जी कैसी व्याकुलता बतला रहे हैं, कबे गोवर्धन गिरी देखी वो नयन भरी, कबे हवे राधा कुंडे वास, भ्रमिते भ्रमिते कबे ए देह पतन हवे, कहे दीन नरोत्तम दास। अरे कब मेरा ऐसा दिन आएगा जब मुझको ये गिरिराज गोवर्धन के दर्शन होंगे, ऐसे नेत्रों से नहीं जैसे हम कर रहे हैं, ये तो जड़ नेत्र हैं, प्रेम नेत्रों से कब ये गिरी गोवर्धन का दर्शन होगा, कब मेरा राधा कुंड में वास होगा, भ्रमण करते 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 कब मेरी देह पतन हो जाएगी। तो गुरु जी कह रहे हैं ऐसी भावना जब उत्पन्न होगी ना हृदय में, ऐसी लालसा ऐसा लोभ आ जाएगा, तब ये चिन्मय धाम जो है ना, ये चिन्मय लीला स्थली जो है, तभी अपने स्वरूप को प्रकाशित करेंगी हमारे सामने धीरे 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 धीरे। जीव गोस्वामी जी को नित्यानंद प्रभु जी ने परिक्रमा कराई, जिस स्थान पर जाते हैं वहीं पर एक एक लीला का दर्शन हो जाता है, क्यों, सदगुरु हैं सद शिष्य हैं, तो हमको सदगुरु तो मिल गए, अब हमको सद शिष्य बनना है। तो गुरु जी कहते हैं जब हम जीव गोस्वामी जी के जैसे सद शिष्य बन जाएंगे तो अध्यापियों से ही लीला करे गौर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। अभी भी कृष्ण लीला कर रहे हैं, महाप्रभु लीला कर रहे हैं, जिस दिन हम सद शिष्य बन जाएंगे उस दिन सदगुरु और हमारा वास्तव संबंध होगा, और उसके पश्चात इन सब लीला स्थलियों का हमको वास्तव धाम का हमको दर्शन हो जाएगा। कहने के लिए बहुत सारी बात है, एक बड़ा सुंदर श्लोक था, कल उसको बतलाएंगे। ललिता जी कैसे इस ब्रज धाम की बात को बतला रहे, गुरु जी ने कहां कहां से, गुरु जी की हरि कथा का वैशिष्ट्य था, कहां कहां से चुन करके गुरु जी एक एक रत्न निकाल करके लाते हैं, शास्त्रों का सार संग्रह करके, ये गुरु महाराज जी का वैशिष्ट्य था। इसलिए अभी हम प्रभु जी से कुछ सुन लेंगे, आज यहीं तक रहे, गौर प्रेमानंदे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं सबसे पहले अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलाल प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् वेदांत शिवनारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरणारविंदों में अपने अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम समर्पित करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में, पूज्यपाद संजय प्रभु आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा योग्य प्रणाम। मैं शुरू करने से पहले थोड़ा सा यह कहना चाहूंगा कि महाराज जी ने जो कुछ भी कहा ये केवल अतिशयोक्ति है, मैं इसका बिल्कुल लायक नहीं हूं। जो कुछ भी है श्री गुरुदेव की कृपा है, किसी न किसी जन्म में उनके चरणों के धूली या उनके जो निज निकट जो जन है उनके चरणों की धूली बन सकूं तो मैं सफल हूं। श्री गुरुदेव कृपा करके मुझ जैसे व्यक्ति को स्वीकार करें ये तो मेरा जीवन सफल है। दूसरी ओर पूज्य श्री महाराज जी भक्त वेदांत श्रीधर महाराज जी जो हैं श्री गुरुदेव की खूब इन्होंने सेवा की और इतना रस, पहले इनका नाम रसानंद प्रभु था तो श्री गुरुदेव खुद कहते थे रस बरसाता तो इसलिए क्या है कि इस समय भी है वो मधुरता रस सब कुछ है, तो इसलिए हम लोगों का सौभाग्य देखो महाराज जी तकते ही नहीं, सुबह हो शाम हो कथा कीर्तन और परिक्रमा में तकान ना इनमें देगी ना तीर्थ महाराज जी में देगी, दोनों तकते ही नहीं किसी प्रकार से। कथा कीर्तन 3-3 घंटा बोलने के लिए वो लड़ाई होती है माइकों को लेकर तो कम दे दिया ज्यादा दे दिया, तो इस प्रकार से
कि महाराज जी कृपा करके सब पर गुरु वर्गों के शास्त्रों के बड़े सुंदर सुंदर लीलाओं को सुंदर सुंदर जो बातें हैं सबके सामने परिवेशन करते हैं। तो इसलिए हम लोग महाराज जी के चरणों में ऋणी हैं। श्री गुरुदेव के निकट बहुत इन्होंने सेवा की संभाला, श्री रूप सनातन श्री गौड़ीय मठ को खूब इन्होंने संभाला सब कुछ, और इस समय गुरुवर्गों के जो विचार को सब जगह प्रचार कर रहे हैं। इसलिए जब तक श्रेष्ठ वैष्णवों का संग नहीं होगा, जो श्रेष्ठ और आचरणशील वैष्णवों का संग नहीं होगा, तब तक हमारे विचार में परिवर्तन नहीं आएगा। हम जहां हैं 30 साल हो जाएगा, 40 साल भी हो जाएगा, हम वहीं रहें। बाहरी रूप से क्रियाएं होंगी, माला हो रहा, परिक्रमा हो रहा, कथा में बैठे हुए भी हैं, वैष्णवों का प्रसाद भी छीन छीन के ले भी रहे हैं, और जगह के लिए लड़ भी रहे हैं, मतलब कौन आगे कौन पीछे वाला भी है, तो बहुत कुछ है, कर तो रहे हैं बहुत कुछ, किंतु करते ही रह जाएंगे, उसका फल नहीं मिलेगा, विचार में परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए साधु संग जब तक श्रेष्ठ और आचरणशील जो करके दिखाए, ठीक है ना, जब तक उनका संग ना हो तब तक विचार में परिवर्तन नहीं आएगा। तो संग किसे कहते हैं, थोड़ा हम संजय प्रभु से भी सुन रहे थे बहुत सारी चीज, और उसके पहले महाराज जी ने भी कुछ कहा, तो संग फिर किसे कहते हैं, कि बैठे तो हैं हम और पूरी कथा में बेचारे लिख भी रहे हैं नॉनस्टॉप, फिर वो किताबों में ही रह जाता है, फिर जो रिकॉर्डिंग करके देते हैं, अच्छा बाद में सुन लें करके, और रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में ही रह जाता है। तो इसलिए संग वो है, भागवतम में जैसा कहा गया, तस्मिन् महन् मुकरितम् मधुभिश्चरित्र पीयूष अशेष चरित परितस्रवन्ति तान्ये पिबन्त नृपगाढ कर्णै तान् न स्पृशति तृट भयशोक मोहा। ऐसी सुंदर सुंदर बातें हैं केवल सुनने पर, केवल सुनने को लेकर, यदि हम तस्मिन् महन् मुकरितम् मधुभिश्चरित्र, मधु माने बड़े, ठाकुर जी का नाम है किंतु मधु माने जैसे अभी कहा रस, एकदम रस बरस रहा। तस्मिन् महन् मुकरितम्, सब समय मतलब मुकारबिंद से झरने की बांति, नॉन स्टॉप कृष्ण से संपर्क युक्त, यानी मतलब चित्त वृत्ति को बदलने वैसी कथा को निरंतर हम यदि नहीं सुनेंगे, सुनेंगे भी कैसे, नृप गाढ़ कर नहीं, कान को कड़ा करके, इसका मतलब क्या, कड़ा कर दो नहीं, ध्यान से, इसका मतलब है बड़े ध्यान से यदि हम इन कथाओं को नहीं सुनेंगे और इस कथा को पिएंगे नहीं, मतलब केवल सुनना ही नहीं, इस समय हो रहा सुनना, कि तो जब उस रस का पान करेंगे बिना मन की कोई बाधा के, बिना किसी और चिंतन के, निरंतर उस ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी या भक्तों के जो चरित्रों को हम अपने कानों से निरंतर उसका श्रवण पान करेंगे, इसे कहते हैं पान कर, तो क्या होगा, दान न स्पृशति है तृढ़ वयशोक मोहा, तब उस समय क्या है, वो संसार से या शरीर धर्म से वो ऊपर उठ जाएगा, विचार उसका बदलने लगेगा, तब उस समय वो धीरे धीरे सामने क्या देखेगा, जो जो सुना कि श्रुत गृही तया, जो जो सुनी हुई चीज है नारद ऋषि ने क्या देखा, वही चीज सामने दिखाई दे रहा या मन में दिखाई दे रहा। तो इसीलिए सुनना सबसे प्रारंभिक चीज है, सुनने की प्रक्रिया भी है, सब चीजों की प्रक्रिया है, सुनने की भी प्रक्रिया,
जैसा प्रभु जी कह रहे थे अभी बार बार कि श्रद्धा विश्वास, जो बात सुनी सुनाने वाले पर विश्वास, वो क्या कह रहे हैं उस बात पर विश्वास, उनके फिर चरित्र पर विश्वास, तब जाके विश्वास होगी, ठीक है ना। तो विश्वास के साथ उन बातों को जब हम सुनते हैं और उस बातों को जब हम सुन के फिर ग्रहण करते हैं उसको, यानी मन में बार बार उस बात का मनन करके फिर ग्रहण किया जाता है, जब तक उन बातों को मन के द्वारा मनन करेंगे नहीं तब तक वो विचार पकड़ में नहीं आएगी चीजें। इसलिए माला करते करते या मतलब एकांत में बैठ करके उन कथाओं को मन में जुगाली की तरह उन चीजों को जब तक मनन करेंगे नहीं, कथा तो वो बारिश की पानी की तरह हुई बारिश और सब कुछ बह के चला। प्रभु जी जैसा अभी कह रहे थे कि बाहर गए और सब भूल गए, क्यों भूलते हैं, भूलते किस लिए, क्योंकि मन में उस चीज को बार बार मनन नहीं किया। इसलिए कहा गया कि वेदों में भी कहा गया आत्मा वा अरे कि द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य, पहले श्रोतव्य सुनना फिर मंतव्य माने मनन करना। जुगाली कहते हैं इसको, जो पहले सुन लिया सारा और उसके बाद नाम करते समय धीरे धीरे फिर उन बातों को लाया, लाते लाते उन चीजों को स्मरण किया, तब तो रहेगी चीज, नहीं तो नहीं रहेगी। मन का स्वभाव है, उस चीज को बार बार उस चीज को स्मरण में नहीं लाओगे वो याद नहीं हो सकता। इसलिए कथा क्यों नहीं रहती है याद, क्योंकि हम उसका मनन करते नहीं। वो इतनी बारिश रस बरसाते महाराज जी तो मतलब उसको पकड़ते पकड़ते समय निकल जाता, फिर सारा चीज तो ऐसा लगा कि भाई बढ़िया तो लग रहा कि तो क्या बढ़िया लग रहा पता नहीं। तो इसलिए ये सब इसकी पद्धति है, स्टेप्स है, कि जब तक हम इस श्रवण पद को सबसे पहले ढंग से हम सुनेंगे नहीं तो श्रद्धा भी नहीं होगा कि मानो हमने उनसे कुछ सुना, और उसको जब तक पालन करेंगे नहीं उसका रिजल्ट तो पता नहीं चलेगा, और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक विश्वास कैसे हो जाएगा, कैसा हो जाएगा विश्वास। जैसा गीता में बहुत कुछ कहा है, जब तक उसका पालन करोगे नहीं उसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक पता कैसे चलेगी चीज, तो फिर पता नहीं चलेगी तो विश्वास कैसे फिर हो जाएगी। हम शरीर नहीं है आत्मा है, इस पर विश्वास कैसे होगा, जब तक करेंगे नहीं पालन नहीं होगी चीजों की, थोड़ी थोड़ी अनुभूति नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता। इसलिए भागवतम में कपिल भगवान जी ने भी कहा है कि सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा तज्जोषनात् आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। क्रम पूर्वक इस चीज को पार किया जाता, यानी भक्ति प्राप्त की जाती, किंतु प्रारंभ क्या है, सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा, कान में पड़ते ही कान को भी एकदम शीतलता मिल जाता है, और यदि उसका मीनिंग समझ के भीतर जाता है तो पूरा मन और हृदय तक को भी वो एकदम शीतल कर देता है। और इस प्रकार से उस वीर्यवती कथा को हम यदि निरंतर सुनते हैं तब जाके संग ये होगा ना, निरंतर सुनना पड़ेगा। तो इसलिए निरंतर सुनते हैं तो तब जा करके क्या होगा, तज्जोषनात् आशु अपवर्ग वर्तमनि, तब जा करके श्रेष्ठ वस्तु की उपलब्धि जितने परिमाण में हमको मिल रहा, यानी कृष्ण को हम जितने परिमाण समझ पा रहे हैं ठीक है ना, उतने परिमाण में संसार छूटेगा। संसार को छुड़ाने की चेष्टा बेकार है, करना भी नहीं चाहिए। श्रेष्ठ वस्तु मिलेगा रस टपकेगा तो निम्न चीज तो खाएगा नहीं कोई, रसगुल्ला का रस पड़ेगा तो तीखी चीज तो खाएगा नहीं फिर उसके बाद, है कि नहीं। इसलिए श्रेष्ठ वस्तु कान के द्वारा प्रवेश होगा, धाम भी कान के द्वारा दर्शन हो सकता है, सबका माध्यम कान से हो सकता है, नेत्र से कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए ये भागवतीय विचार है, ये सब चीज
जो श्री गुरुदेव और श्री प्रभुपाद जी श्री महाराज जी सब हम लोगों को समझाते हैं, हम लोगों को कर्म कांड के विचार से निकल करके भागवतीय विचार में प्रवेश करना जरूरी है। कर्म कांड का विचार जो नेत्रों से जो देखा इत्यादि है, भागवतीय विचार क्या है, शब्द के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो इसलिए जो इस प्रकार से कथा का सेवन अपने कानों से और वीर्यवती जो कथाएं हैं उसका सेवन करेंगे तो धीरे धीरे श्रेष्ठ वस्तु की उपलब्धि उनको मिलती रहेगी और बिना किसी प्रयास के संसार छूटता जाएगा। और क्या होगा, श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशीति, धीरे धीरे वो साधन भक्ति फिर भाव भक्ति फिर प्रेम भक्ति के स्तरों को प्राप्त करते हुए कृष्ण के चरणों में प्रेम को प्राप्त कर सके। किंतु रास्ता का, वो प्रेम प्राप्त करने का रास्ता क्या है, कान, कान के, कान को छोड़ के किसी भी पद्धति से कृष्ण, कृष्ण के चरणों में प्रेम, या कृष्ण कौन है क्या है, या कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन संभव ही। तो इसलिए ये हमें बड़े ध्यान देना है कि हम इस कान को किसको दे रहे हैं। ये कोई सस्ती चीज नहीं है कि इस कान को हम जहां तहां दे देंगे तो फिर वैसे ही फिर खिचड़ी पक जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, मैं कान को वहीं तो दूंगा जहां कृष्ण के प्रति कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम है कलम जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते। कान को कहां देना है, सब जगह दे दोगे तो फिर पागल बना देगा। कोई कहेगा कि तपस्या करो, कोई कहेगा दान करो, कोई कहेगा अच्छा इस भक्ति में ही ले लो, कोई कहेगा नाम करो, कोई कहेगा पढ़ो, कोई कहेगा नाचो, कोई कहेगा प्रसाद खाओ काफी है, तो क्या क्या मानोगे। तो इसलिए इस कान को हम किसको दे रहे हैं, कहां दे रहे हैं, किस प्रकार से दे रहे हैं, डिपेंड करता है उस पर हमारी भक्ति की भित्ति या फाउंडेशन लगने। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा है कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो भी लभ्यते, जहां कृष्ण के रस में सने हुए हैं एकदम दिन भर 24 घंटा। श्री प्रभुपाद जी का शब्द है 24 घंटे में से 2400 घंटा उसमें एक पल का भी समय नहीं कि माया की चिंतन करें। 24 घंटा जो कृष्ण की सेवा में प्रेम में बिल्कुल मस्त हैं, डूबे हुए हैं, संसार का सुदबुद्ध नहीं, शरीर का सुदबुद्ध नहीं, क्या दिन क्या रात पता ही नहीं, जैसे चैतन्य महाप्रभु, जैसे रूप सनातन गोस्वामी, जैसे प्रभुपाद, जैसे गुरुवर गजन गुरुदेव इत्यादि। तो कहते कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, कृष्ण भक्ति रस में जो बिल्कुल उसी चिंतन में डूबे हुए हैं, कृष्ण सेवा में डूबे हुए हैं, जब तक हम वैसे सौभाग्य से वैसे यदि संगति प्राप्त होता है और वहां यदि हम कान देंगे तो फिर क्या होगा, जैसे प्रभु जी ने प्रारंभ में कहा, तब जाके प्रश्न मन में जग सकेगा कि ये रागमयी भक्ति क्या है, कृष्ण के प्रति रागमयी भक्ति भी कोई चीज है, अच्छा वैधी भक्ति क्या है, तब तो प्रश्न आएगा, नहीं तो कहां से प्रश्न आएगा। और जब तक प्रश्न नहीं आएगा विचार में बढ़ोतरी फिर कैसी होगी, हम श्रेष्ठ मतलब निम्न स्तर से श्रेष्ठ स्तर को कैसे पहुंचेंगे हम। तो इसलिए ये हम कहां कान को दे रहे हैं, किसके पास दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं, ये हमको देखना है। यदि हमें श्रेष्ठ भक्ति चाहिए तो श्रेष्ठ जगह पर कान देनी होगी, तभी विचार में बढ़ावा हमको मिलेगा। इसलिए संजय प्रभु बहुत सारी बातें कह रहे थे, हाँ ठीक, तो इसलिए यहीं पर रखते हैं हम लोग। तो साढ़े चार बजे आ जाना, बस ये लास्ट में कह के तो
इसलिए हम लोग श्री गिरिराज जी के पास यदि आते हैं रहते हैं तो क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु कृपा करके आप अपने निज निकट निवासम देही गोवर्धन, तुम कृपा करके आप अपने निज जन जो हैं, प्रेमी जन जो हैं, वैसे भक्तों का संग हमें निरंतर मिले और उस संग में निरंतर जो कथाएं हैं वीर्यवती उन कथाओं को सेवन करने का सुयोग मिलता रहे और उसके लिए मन में विरह की भाव जगे, जब वो नहीं मिलता है तो उसके लिए हम तड़पे, हे प्रभु इस प्रकार का सुयोग हमें जीवन में मिले, ये प्रार्थना श्री गिरिराज जी के निकट हमें करते रहना चाहिए। तो इसलिए गिरिराज महाराज जी की कृपा नहीं होगी तो इस प्रकार साधु संघ कभी भी संभव पर नहीं। बोलो गिरिराज महाराज जय, सभी वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौर हरि गो पाद पद्म की प्रभुपाद की सबर कर गौर हरी की गौर ब्रह्मानंदे चलो।